अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके जी, गुड। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? बिस्मा, आप सुबह ऑडिट की क्लास के लिए नहीं उठती ना? डायरेक्ट आप उठती हो किसके लिए? FAR 2 के लिए, ऐसा है? ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी, ऐसा ही है। सही है भाई, हम यहाँ पे 4 बजे सो के भी उठ के लाइव पढ़ा रहे हैं और आप हैं कि भाईजान। सही है, ये है मोटिवेशन। चलो खैर, क्या कर सकते हैं और कर ही क्या सकते हैं। तो मैं भी तोड़ दिया था ना 9 बजे। 9 बजे क्या, उससे पहले मुझे तो सेटअप करना होता है वहां पे। तो चलो क्या, कहने की टीम होती है, फिर वहां पे कोई ना कोई क्लास तो लगा देता है। यहाँ पे आपने इक्विपमेंट्स भी खुद चार्ज करने हैं, कैमरा, लाइटनिंग सब खुद देखना है। गुड मॉर्निंग जी। चलें, खैर मुझे एक बात बताएं। चलो वेरी गुड, बस यही मोटिवेशन चाहिए मुझे। आप एक बात बताएं सारे बच्चों, हमने बैलेंस शीट अप्रोच को शुरू किया था, ऐसा ही है? अच्छा, बैलेंस शीट अप्रोच में हमने एक चीज तो दिमाग में बिठा ली थी कि हम जब बैलेंस शीट अप्रोच को यूज करते हैं तो मुझे डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी मिलता है, ना कि इनकम और एक्सपेंस। यही है, ओपनिंग बैलेंसेस यूज करूंगा तो ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंसेस यूज करूंगा तो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स या एसेट या लायबिलिटी मिलेगा, और दोनों को कंपेयर करूंगा तो फॉर द ईयर मिलेगा। ऐसा ही है। चलें, बेहतरीन हो गया। अच्छा, पर अब मुझे एक बात बताएं बहुत फोकस से, क्योंकि देखो अब मैं टेक्निकलिटीज पे लेके जाऊंगा, टेक्निकल ग्राउंड्स पे लेके जाऊंगा, ताकि आप रटा नहीं लगाएं, इनफैक्ट इसकी क्रक्स या लॉजिक को समझें। बहुत फोकस होकर देखिएगा और मुझे बताइएगा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर मैंने डेफर्ड टैक्स PPE पे निकाल लिया तो इसका मतलब है मैंने पूरी कंपनी पे निकाल लिया, या वो सिर्फ PPE के ऊपर क्रिएट हुआ हुआ डेफर्ड टैक्स है? हाँ जी, जल्दी बताएं। सिर्फ PPE के ऊपर किया गया डेफर टैक्स है। अगर आपको पूरी कंपनी का डेफर टैक्स चाहिए तो आपको हर एक लाइन आइटम को कंसिडर करना होगा, ऐसा ही है? हर एक लाइन आइटम को कंसिडर करना होगा, ऐसा ही है? वेरी गुड। अब इसमें आगे जाके थोड़ा सा चेंज करूंगा, पर अभी आप ये सोचेंगे कि हर एक लाइन आइटम, क्योंकि देखो ना, आप जब PNL बनाते हो तो आप खुद दिमाग लगाओ, PNL में क्या डिफरेंस सिर्फ डेप्रिसिएशन का होता है या बाकियों का भी होता है? सब बाकियों का भी होता है, तो बाकियों पे भी तो डेफर टैक्स करता हूं ना। तो मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट के बकाया आइटम्स को भी कंसिडर करो, तो तुम्हें पूरी कंपनी का डेफर टैक्स मिलेगा, कि पूरी कंपनी में जो भी डिफरेंसेस हैं पूरी कंपनी के लाइन आइटम्स पे विद टैक्स, वो कितने हैं और वो आज तक के कितने हैं। मैं आज तक क्यों कह रहा हूं, मैं आज तक क्यों कह रहा हूं? हाँ जी, मैं आज तक क्यों कह रहा हूं? एज एड है बैलेंस शीट अप्रोच, वेरी गुड। तो आप बैलेंस शीट के हर एक लाइन आइटम को देखेंगे और उसको टैक्स बेस से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आज तक टैक्स वाले और हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस हैं हर एक आइटम में, ऐसा ही है? तो मुझे पूरी कंपनी का डेफर टैक्स मिल जाएगा। चलें गुड, अब प्रीपेड की बात करते हैं, प्रीपेड की बात करते हैं। सही है जी, आप मुझे एक बात बताएं, जब मैं कोई भी रेंट एडवांस में पे करूंगा तो मैं उसकी एंट्री क्या बनाता हूं? सर आप कहेंगे प्रीपेड रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, ऐसा ही है? आपने कहा 1,20,000 रुपये से, यही है? अच्छा भाई, फिर हमने ये कहा मेरे बच्चों कि ये हमारे लिए क्या है? एसेट है, ऐसा ही है? टैक्स
वाले के लिए एक्सपेंस है, ऐसे ही टैक्स वाले के लिए एक्सपेंस है, और यहां पे लिखते हैं बिकॉज टैक्स वाला पेमेंट बेसिस पे मानता है, यही बात है, बिकॉज टैक्स वाला पेमेंट बेसिस पे मानता है, इसीलिए तो आपके उसके बीच में डिफरेंस है। अब जरा फोकस होके देखिएगा, अब जरा फोकस होके देखिएगा, मैंने कहा आपकी बैलेंस शीट में एक प्रीपेड रेंट आ रहा होगा जिसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी, एक बीस, इसकी टैक्स बेस क्या होगी? हाँ जी सर, जीरो होगी। अच्छा मैं लॉजिक बता देता हूं, मैं लॉजिक बता देता हूं, इसकी टैक्स बेस जीरो इसलिए होगी क्योंकि हम टैक्स बेस का मतलब क्या था, टैक्स वाले के हिसाब से एसेट या लाइबिलिटी, ऐसा ही है, टैक्स बेस का मतलब ये था ना, टैक्स वाले के हिसाब से एसेट या लाइबिलिटी, यही है। तो मुझे एक बात बताएं, टैक्स वाला तो इसको एसेट मान ही नहीं रहा क्योंकि उसने पेमेंट बेसिस पे उसको क्या मान लिया, एक्सपेंस, ऐसा ही है। अच्छा अब सोचने का तरीका, क्योंकि हर एक चीज में लॉजिक अलग बनाई है मैंने, सुनना तुम लोग, मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप इस बात को मानते हो कि अगर टैक्स बेस जीरो है तो इसका मतलब यह है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे इसके लॉजिक्स, सोचने का तरीका डेवलप कर दूंगा। प्रीपेड के केस में टैक्स बेस जीरो का मतलब, हाँ फोकस होके, प्रीपेड के केस में टैक्स बेस जीरो होने का मतलब यह है कि जो अकाउंटिंग में आज तक एसेट है वो टैक्स में आज तक एक्सपेंस है, ऐसा ही है, ऐसा ही है मेरे बच्चों, क्या ये सही लिखा हुआ है? वो टैक्स में आज तक एक्सपेंस है। चलें जी आगे सोचने का तरीका देखें कहां तक लेके जाता हूं मैं, मींस आज तक टैक्स में एक्सपेंस ज्यादा है तो हर साल टैक्स वाला ऐसा है, हर साल टैक्स वाला लेस करवाता होगा, यही है भाई। देखो आज तक अगर आप कह रहे हैं टैक्स बेस जीरो है तो मतलब आज तक जो तुम्हारे लिए एसेट है उसके लिए आज तक वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का मतलब है वो आज तक तुम्हें लेस करवाता रहा, लेस करवाने से टैक्सेबल इनकम क्या होती रही है, एन अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा, मींस आज तक हमने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एंड उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बुक की होगी, क्या लॉजिक बनती है, क्या लॉजिक बनती है? देखो ये पूरा हमने लॉजिकली बयान कर लिया बगैर किसी रटे के, वही जो वहां पे बेस रखी है वो यहां काम आएगी, सही जी। ये ना देखो भाई मुझे बताओ, आज तक टैक्स वाले ने, आज तक जो तुम्हारे लिए एसेट है टैक्स वाले के लिए क्या है? हाँ जी आज तक जो तुम लोगों के लिए एसेट है बच्चों टैक्स वाले के लिए क्या है? एक्सपेंस है।
तो टैक्स वाला हर साल के पीएनएल में तुम्हें आज तक माइनस करवाता रहा होगा। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। तो जब टैक्स वाला आपको हर साल माइनस करवाता रहा होगा, तो हर साल उसने किसी इनकम को टैक्स होने से रोका होगा, ऐसा ही है। तो टैक्सेबल इनकम कम हो गई होगी, टैक्स भी कम हो गया होगा, अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा होगा। तो आज तक आप टैक्स वाले टैक्स से अकाउंटिंग टैक्स पे जाने के लिए क्या बुक करते रहे होंगे? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि इस 1,20,000 रुपए के ऊपर हम क्या बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, वेरी गुड, लाइबिलिटी। तो इसके ऊपर 30% कितना आता है बच्चों? इसके ऊपर 30% कितना आता है? 36,000। हाँ जी, बात क्लियर है? तो ये आ गई हमारे पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। चलें, गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, ये कॉपी करना है, ये आगे चलें। कॉपी जल्दी करना, बट जल्दी करना, बिल्कुल। ओके गुड, कॉपी करें। अच्छा, तो मतलब आप सर अब जब डेफर टैक्स की वर्किंग करेंगे एसेट या लाइबिलिटी की, तो पीपी की भी करेंगे, और पीपी में दो भी हो सकते हैं, और सर फिर इसकी भी करेंगे, और फिर आखिर में देखेंगे नेट डेफर टैक्स एसेट है या लाइबिलिटी है, ऐसा ही है? वेरी गुड, हाँ जी, स्क्रॉल डाउन करूं। चलें, ओके, ये रहा। हाँ जी, डन हो गया जी ये। ओके, अगला भाई। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा, एक और चीज बिफोर वी मूव फर्दर, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ, यहां पे लिख दूं अगर मैं इसी में,
टैक्स वाला अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चलता। हाँ भाई, व्हाट इफ टैक्स वाला अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चलता तो मुझे बताओ क्या उसके लिए भी ये एसेट होता? देन टैक्स वाले के लिए भी एसेट होता। सही है भाई, देन ये टैक्स वाले के लिए भी एसेट ही होता, तो क्या कोई डेफर्ड टैक्स आता या कोई डिफरेंस ही नहीं होता? हाँ जी, क्योंकि आज तक उसने कुछ भी लेस नहीं करवाया हुआ होता। सीधी सीधी कहानी होती, सलंग कहानी होती। वेरी गुड, बस ये बात याद रखिएगा। ओके, तो हमने कहा कि भाई अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल पे चलें। अब मैंने कहा कि भाई अगर मैंने कोई इंटरेस्ट कमाया तो मैंने उसकी एक एंट्री बनाई होगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट। और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ऐसा ही है। अच्छा भाई, हमने कहा कि हमने लेट से वो 1,50,000 रुपए की कमाई है, टैक्स वाला कैश बेसिस को मानता है। हम कह रहे हैं टैक्स वाला कैश बेसिस को मानता है। सही है जी, चलें जी आगे। अब मैंने कहा कि भाई अब मैंने यहां पे कैरिंग अमाउंट रख दी इंटरेस्ट रिसीवेबल की 1,50,000। अच्छा, इसकी टैक्स बेस क्या होगी? जीरो। अच्छा, अब तो वापस से यहां पे हमें वो लिखना पड़ेगा, टैक्स बेस जीरो। इसलिए ये मैं फिर पूछूंगा लॉजिक्स, मैं तो वहां पे हूं नहीं, वरना मैं लाइव क्लास में फिजिकल क्लास में पूछता। तो ये कि मैं बताओ ये क्यों है, तो ये क्यों का जवाब मैंने आपसे चाहिए होगा, इसलिए लिख के भी दे रहा हूं। टैक्स बेस जीरो सिर्फ इसलिए है क्योंकि टैक्स वाला इनकम को ही नहीं मानता, मींस क्रेडिट को नहीं मानता, तो डेबिट को क्या मानेगा? ऐसा है, यानी जो तुम्हारे लिए आज तक इनकम है। मैं आज तक क्यों कह रहा हूं मुझे बताओ, मैं जाहिर सी बात है तुम्हें तंग कर रहा हूं, पर मुझे बताओ मैं क्यों कह रहा हूं आज तक क्यों कह रहा हूं? एज एड, वेरी गुड। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो आज तक तुम्हारे लिए अक्रूवल बेसिस पे इनकम है, जो आज तक तुम्हारे लिए अक्रूवल बेसिस पे इनकम है, वो उसके लिए इनकम है ही नहीं क्योंकि उसने मानी नहीं है। तो उसने जब क्रेडिट को नहीं माना तो वो डेबिट को क्यों मानेगा? ऐसा है, उसके लिए तो कोई एंट्री नहीं है। बात समझ आती है? तो हमने क्या किया, हमने यहां पे क्लैरिटी के साथ लिख दिया टैक्स बेस जीरो इसलिए है क्योंकि टैक्स वाला इनकम कोई नहीं मानता, मींस क्रेडिट कोई नहीं मानता, तो डेबिट को क्यों मानेगा? उसकी नजर में ना ही क्रेडिट है तो डेबिट भी नहीं है क्योंकि वो इनकम ही नहीं मान रहा, सिरे से इनिशिएशन ही नहीं है उसके पास। ऐसा ही है, चलें गुड। अब आगे, अब मुझे बताएं, ये तो बात हो गई टैक्स बेस जीरो की। टैक्स बेस जीरो में कोई आवश्यकता, कोई मसला? अच्छा, जब आज तक, यहां बस और भी अच्छे से लिखते हैं, टैक्स बेस जीरो का मतलब यह है कि आज तक जो तुम्हारे लिए इनकम है
क्या सही लिखा है? टैक्स बेस जीरो का मतलब ये कि आज से जो तुम्हारे लिए इनकम है उसके लिए कुछ भी नहीं, मींस वो हर साल लेस करवाता रहा होगा एंड इस वजह से जो हमारी टैक्सेबल इनकम है वो क्या हो गई होगी, हाँ जी कम हो गई होगी, ऐसा ही है। टैक्स भी कम एंड अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा, इसी वजह से हर साल हम डेफर्ड एक्सपेंस एंड उसके अगेंस्ट में डेफर्ड एक्स लायबिलिटी बुक करते आए होंगे। ऐसा ही है भाई, क्योंकि देखो ना वो तो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है ना जो आईएफआरएस के हिसाब से इनकम है, तो हर साल मैंने डेफर्ड एक्स इनकम, यानी अब तो आप बैलेंस शीट अप्रोच पे आ गए ना, तो आपने सोचना भी इस एंगल से, आज तक उसके लिए 150,000 की इनकम नहीं है, इस बात को मानते हो? आज तक उसके लिए 150,000 रुपए की इनकम नहीं है, ये आप तो बात मानते ही हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो आज तक जब उसके लिए 150,000 रुपए की इनकम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो आज तक इतनी इनकम को नहीं मान रहा, तो इतने से ही आज तक टैक्सेबल इनकम कम है, इतने से ही मैंने इसके ऊपर डेफर्ड एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक की हुई होगी, क्योंकि वो अब तब टैक्स करेगा जब वो रिसीव होगी, पर मैं तो उस पर ऑलरेडी डेफर्ड एक्स लायबिलिटी प्रॉक्सी लायबिलिटी रख के बैठा हुआ हूँगा। ऐसा ही है, तो हमने कंक्लूड कर लिया कि इसके ऊपर डेफर्ड एक्स लायबिलिटी आएगी। तो आप मुझे बताएं कि सर डिफरेंस कितने का, एक लाख पचास का, वेरी गुड। तो इस पे आपने डेफर्ड एक्स लायबिलिटी कितनी रख ली 30% के हिसाब से, 45,000, वेरी गुड, ये आ गया जी। हाँ भाई इसको कॉपी कर लेना, बट एक प्रश्न कर लें, एक सवाल कर लें प्लीज। चलिए गुड, अप्लाई करते हैं इसको, पर इस सवाल को आपने बैलेंस शीट पीएनएल दोनों से करना है, क्योंकि मैंने इसमें करंट टैक्स भी मांगा हुआ है। सही है जी, तो आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा आपको जो कल मैंने रिकॉर्डिंग दी थी उसमें आपने वो देख लिया सवाल, वो देख लिया जानी, वो मैंने रिकॉर्ड बनाना सिखाई थी उसमें, गुड, स्नेहा देखना है लाजमी। चलो ये करें आप दस्ती, मैं कर रहा हूं या खुद करोगे? खुद करेंगे, ओके गुड करें आप, करें और बस मैं थोड़ा सा कुछ 5 मिनट में खा के आ रहा हूं, 5 मिनट में शायद हो ही जाएगा आपसे। और आपने रिकॉन भी बनानी है, चलो 10 मिनट ओके, रिकॉन भी बनानी है, रिकॉन भी बनानी है।
हाँ जी मेरे बच्चों, हो गया। चलें जी, गुड, लेट्स चेक। मुझे बताएं, सबसे पहले पीपी की बात कर लेते हैं। सही जी, बहुत फोकस होकर देखिएगा। पीपी की हमने कहा कि भाई आपको यहां पे वो कह रहा है कि मुझे डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी का बैलेंस निकाल के दो 31 दिसंबर 2019 पे। सही है, 2019 पे आखिरी बैलेंस चाहिए इसको। हमने कहा भाई पहले तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम यहां पे डेफर्ड टैक्स बैलेंस निकाल लेते हैं एज एट 31 दिसंबर 2018। बात क्लियर है? बहुत फोकस होकर देखना, तुम लोगों ने ये वाला सवाल है। ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा, फिर मैंने ये कहा कि भाई अगर मैं यहां पे देखूं तो सबसे पहले हमारे पास पीपीई आ रहा है। सही जी, इसकी कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट। सही जी, ये हिसाब किताब कर लेते, पहले ओपनिंग का कर रहा हूं मैं। अच्छा, पीपीई की कैरिंग अमाउंट कितनी है मेरे बच्चों? 3.5 मिलियन। चलें, इसकी टैक्स बेस कितनी है मेरी जान? हाँ जी, 2.5 मिलियन। बेहतरीन हो गया। हाँ भाई, एसेट कम होता है एक्सपेंस की वजह से, ऐसा ही है ना? तो आपने तो ये सीखा हुआ है ना कि जहां जितना एसेट कम है वहां उतना एक्सपेंस ज्यादा है। मतलब आज तक टैक्स वाले ने तुम्हें ज्यादा लेस करवाया है, किसी इनकम को टैक्स होने से रोका है। हमने हर बार हर साल डेफर्ड एक्सपेंस बुक करके लाइबिलिटी बुक की होगी। वेरी गुड यार, मुझे बताओ टैक्स रेट कितना है? 25%। तो ये 2.5 लाख रुपया आ गया। वेरी गुड। ओके, हमने कहा कि भाई इसके बाद आप आ जाएं इंटरेस्ट रिसीवेबल पे। जल्दी बताएं, इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका कितना आ रहा है? 4.50। इसकी टैक्स बेस है 0। क्या इसका मतलब ये है कि आज तक उसने 4.50 की इनकम नहीं मानी जो हमारी नजर में इनकम है। ऐसा ही है, लॉजिक के साथ चल रहे हैं। तो आज तक जब उसने इनकम नहीं मानी जो हमारी नजर में इनकम है, तो उस पर टैक्स तो लगना चाहिए ना। हमने लगाया भी होगा, हमने क्या बुक किया होगा आज तक? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। वेरी गुड, तो हमने कहा 4.50 के ऊपर आपके पास कितना आता है? 25%, 1.125 लाख। ये आ गया। अच्छा जी, इसके बाद आप आ गए प्रीपेड रेंट पे। प्रीपेड हाँ जी, प्रीपेड रेंट आ रहा आपका, ये भी 4.50। अच्छा, जो आपके लिए एसेट है वो आज तक उसको एक्सपेंस मानता है, वह लेस करवाता है, किसी इनकम को टैक्स होने से रोकता रहा है, ऐसा ही है। तो हमने आज तक इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लाइबिलिटी बुक किया होगा। इसका सम कितना आ गया मेरे बच्चों? सम कितना आ गया? बताएं, 475। मैंने कहा ये हमारी आ गई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ऐसा ही है भाई, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ गई। क्या ये किसी एक एसेट की है, पूरी कंपनी की है? सर पूरी कंपनी की है, हमने हर एक चीज को कंसिडर कर लिया है। वेरी गुड, चलें। अब हमने क्या किया, हमने अपनी आईपैड की शक्तियों का इस्तेमाल किया थोड़ा सा फ्लैक्स करते हुए, और हमने कहा भाई यहां पे देख लेते हैं क्या सीन है। चलें,
आप मुझे बताएं क्या क्लोजिंग पे मामला क्या चल रहे हैं? क्लोजिंग पे पीपी कितने का भाईजान? 2.7 मिलियन का। ये आ गया 2.7 मिलियन। टैक्स बेस कितनी है? हाँ भाई 1.8 मिलियन। चले हमने कहा ये आ गया 1.8 मिलियन। हाँ भाई डिफरेंस कितने का? 9 लाख रुपए का। अच्छा भाई फिर हमने कहा 9 लाख रुपए पे आज तक का डिफरेंस है, यदि आज तक टैक्स वाले ने मुझे ज्यादा डिडक्शन दी हुई किसी इनकम को टैक्स होने से रोका, हमने बोला भाई बनती नहीं है। डेफर्ड एक्सपेंस और लायबिलिटी कितनी बनती है? 2 बच्चे। ओके प्लीज फोकस। ओके इधर देखिएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल 5.50, इसका टैक्स बेस 0। लॉजिक वही कि आज तक जिसको मैं इनकम मान रहा हूं वो इनकम मान ही नहीं रहा, हमने आज तक उस पर डेफर्ड एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक किया होगा। कितना आ गया जानी? 137,500। फिर हमने कहा भाईजान हमारे पास प्रीपेड रेंट है और वो प्रीपेड रेंट है 7.50 का, ये 0। अच्छा जो हमारी नजर में एसिड है उसके लिए एक्सपेंस है वो लेस करवाता था, टैक्सेबल इनकम कम करता था, टैक्स ज्यादा था, हम आज तक वहां पोस्टिंग के लिए डेफर्ड एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक करते थे। कितना आ गया? 187,500। ये कितना आ गया बच्चों? 5.50। ओके ये भी आप कह रहे हैं कि आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई। ऐसा ही है, यहां तक सही किया था तुम लोगों ने। कितना अच्छा पढ़ाया मैंने, देखो मुश्किल टॉपिक को आसान कर दिया। ऐसा ही चलो इधर प्लीज फोकस होकर सुनना। अच्छा भाई अब अगर मैं यहां पे टी अकाउंट बनाऊं, सेल्वा। अच्छा भाई तो मैंने कहा डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग है 475 और क्लोजिंग है 550। ऐसा ही है तो ओपनिंग भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, क्लोजिंग भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो मतलब पूरे साल में डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक हुआ है। का ऐसा ही है। अच्छा अब प्लीज बहुत फोकस होकर सुकून तामुल से मेरी बात समझना सर। अब मैं बनाऊंगा पीएनएल अप्रोच से, पर जब आप पीएनएल अप्रोच यूज करेंगे तो आपको क्या ओपनिंग मिलेगा, क्लोजिंग मिलेगा या ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस मिलेगा? वेरी गुड। चलिए मुझे बताएं आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने का है? 6 मिलियन। आ गया। अच्छा भाई एडजस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। चलिए भाई एडजस्टमेंट्स के अंदर हमने कहा कि भाई अगर आप फोकस करें मेरे पास तो पीपी के अकाउंटिंग में ओपनिंग आपके पास आ रहा है 3.5 मिलियन और क्लोजिंग आ रहा है 2.7 मिलियन।
मुझे बताओ क्या कोई एडिशन डिस्पोजल है? नहीं है। तो ये जो भी है वो क्या रहा होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हाँ जी, कितने का? 8 लाख रुपए का। टैक्स बेस ऑफ पीपी कितनी थी? 2.5 मिलियन। क्लोजिंग है 1.8 मिलियन। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 7 लाख रुपए। ऐसा ही है, यानी टैक्स वाला मुझे अब कह रहा है कि भाईजान बस बहुत हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने ज्यादा बुक किया हुआ है, 1 लाख रुपए एड बैक कर दो। ऐसा ही है। क्या वो मुझे सेविंग क्लेम करने से रोक रहा है? यस। क्या वो सेविंग क्लेम करने से रोक रहा है? यस। आपने इसके ऊपर क्या बुक करना होगा? डेफर्ड टैक्स इनकम। वेरी गुड, बेहतरीन। अच्छा, अब हमने कहा भाई इसके बाद आ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 200,000, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। अच्छा, मैंने कहा कि भाई अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट बनाऊं तो ओपनिंग आ गया 4.50 और क्लोजिंग आ गया 5.50। इंटरेस्ट रिसीव कितना हो गया? 2 लाख। तो इनकम कितनी रही होगी फॉर द ईयर? इनकम 3 लाख। ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, टैक्स वाला कह रहा है भाई तुम जो भी कमाओ मुझे उससे कोई गलत नहीं है, जो मिलेगा वो तुम्हारी इनकम है। तो क्या मुझे वो इस साल 1 लाख रुपए पे टैक्स लगाने दे रहा है? नहीं दे रहा। नहीं दे रहा, मना कर रहा है। 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं ले रहा वो। क्या वो लेस करवा देगा? डेफर्ड एक्सपेंस आ जाएगा क्योंकि हम बुक कर लेंगे, लॉजिक पता है हमें। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, प्रीपेड ओपनिंग है 4.50, क्लोजिंग है 7.50। वो कह रहा है एडवांस रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। तो फिर हमने कैश पे किया है, तो एक्सपेंस कितना निकाला बच्चों आपने? 2 लाख रुपए का ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पीएनएल में ये है वो तो पेमेंट बेसिस पे मान रहा है, जो हमारे लिए एसेट है वो तो एक्सपेंस बना रहा है। मजीद तो मजीद डिफरेंस आ गया फॉर द ईयर में। वो कह रहा है भाईजान 3 लाख रुपए और माइनस करो। सही है। अच्छा भाई, 3 लाख रुपए और माइनस किए, ये क्या आ गया मेरे पास? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस के ऊपर हम यही डिसाइड कर लेते हैं ना कि क्या बुक करना चाहिए। तो अब मैंने कहा कि आपके पास टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 5.7 मिलियन। वेरी गुड। इसके ऊपर आप लगा दें 25%, 142,500। ये आपका क्या आ गया भाई? करेंट टैक्स एक्सपेंस। ओके, तो अब आपने रिकॉन बनानी है। अच्छा, आपके पास अकाउंटिंग टैक्स कितना आता है? 11,000। चलें जी, आपके पास करंट टैक्स आ रहा है 142,500 बल्कि। तो आप नेट बेसिस पे क्या बुक कर रहे हैं? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 3 लाख रुपए पे। 3 लाख का 25% कितना है?
क्या ये रिकॉर्ड मैच है? यस। अच्छा अब एक और बात जो आप लोगों ने सीखनी है, जो आप लोगों ने सीखनी है, बड़ी बखूबी सीखनी है, मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं एक शॉर्टकट लगाऊं, दिमाग खुला रखना, क्या मैं सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो अमाउंट है ये फॉर द ईयर के डिफरेंसेस का परसेंटेज है? ऐसा है, लिख के बताओ, फॉर द ईयर के डिफरेंसेस का परसेंटेज है। अच्छा तो अब आप अपना दिमाग चलाएंगे और प्लीज देखो, नहीं समझ आया तो हाथ के हाथ पूछ लेना, मैं शॉर्टकट सिखा दूंगा, कुछ भी कर सकता आपके साथ। इधर अगर मेरे बच्चों ये फॉर द ईयर के डिफरेंसेस का परसेंटेज है, जो कि प्रूविंग भी है कि फॉर द ईयर में ये हुआ है ना, उसका परसेंटेज है, ये मजीद इतना बुक हुआ है, अगर मैं इसको ग्रॉसअप करूं, अगर मैं इस 75,000 को ग्रॉसअप करूं 25% से, तो क्या 3 लाख रुपए आता है? ऐसा है, ये आपके पास क्या आ गए सर? ये डिफरेंसेस आ गए। फिर आप यूं सोचें, जो मैं बहुत सुकून से समझा रहा हूं, फिर आप यूं सोचें कि आप लोगों ने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्यों बुक किया होगा? आपने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इसलिए बुक किया होगा क्योंकि टैक्स वाले ने आपसे लेस करवाया होगा, नेट बेसिस पे कुल मिला के लेस हुआ होगा। ऐसा है, कुल मिला के लेस हुआ होगा, तभी तो आपने डेफर्ड एक्सपेंस बुक किया है। ऐसा है, तो आप सिंपल अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से ये 3 लाख रुपए माइनस करोगे तो क्या आपको डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी? डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी, आपको ये लंबी करने की नीड ही नहीं है। ऐसा है, पहले तो बात समझ आई, ब्यूटीफुल हो गया। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि फॉर द ईयर के डिफरेंसेस को यूज किए बगैर सलंग आंसर आ सकता है आपका, सही है। बट हाँ, अगर कोई परमानेंट डिफरेंस हुए तो वो अलग से एडजस्ट होंगे, ये बात तो मानते हो ना? अगर कोई परमानेंट डिफरेंस हुए तो वो अलग से एडजस्ट होंगे, क्योंकि वो अकाउंटिंग प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं हुए भाई, ये तो वो चीजें हैं जो फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट्स हैं, उसका डिफरेंस। तो अगर कोई परमानेंट डिफरेंस हुआ तो उसको अलग से एडजस्ट करके टैक्स निकाल लेना। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई कि मैं बैलेंस शीट अप्रोच से भी करंट टैक्स पे पहुंच सकता हूं? पहले आप डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकाल लें, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आपको पता लगा एक्सपेंस क्यों आया होगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्यों आया होगा? क्योंकि मैंने लेस किया होगा। देखो, फॉर द ईयर ये जो मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आया है, क्या ये डिफरेंसेस है या उन एक्स वाई जेड डिफरेंसेस का परसेंटेज है? लिख के बताओ। हाँ जी, उन एक्स वाई जेड डिफरेंसेस का परसेंटेज है ना, मैंने इसको ग्रॉसअप किया तो मुझे वो डिफरेंसेस मिल गए, नेट डिफरेंसेस मिल गए। फिर आपको याद आएगा कि यार, अगर मैंने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया है सब कुछ मिला के, तो इसका मतलब ये है कि टोटैलिटी में टैक्स वाले ने मुझसे लेस करवाया है। ऐसा ही टैक्स वाले ने मुझसे लेस करवाया है। ऐसा है, तो जब टोटैलिटी में टैक्स वाले ने मुझसे लेस करवाया, तो मैंने कहा कि भाई जब मुझे डिफरेंसेस मिल गया, मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाऊं उसमें से ये लेस कर दूं, मुझे डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी। ये बात समझ आती है भाई? बेहतरीन हो गया जी, ओके गुड। अच्छा भाई, अब आगे अब 2-3 चीजें, फिर हम बाकी कॉन्सेप्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगली क्लास में। बहुत फोकस होकर सुनिएगा आप लोग। इधर भाई, अभी हमने कुछ बात की थी, मैंने कहा था आपकी बैलेंस शीट में पीपीई आता है, क्या इसके ऊपर डेफर टैक्स बनता है? हाँ भाई, यस बनता है। अच्छा, अगर आपके पास इंटेंजिबल आएगा तो वो भी तो सेम ट्रीटमेंट है ना? वो भी सेम ट्रीटमेंट है, वो भी यही आता है, जहां जितना एक्सपेंस, जहां जितना पीपीई कम या एसेट कम हो उतना एक्सपेंस ज्यादा। अच्छा, आपने इंटरेस्ट रिसीवेबल सीख लिया,
आपने कहा इसके ऊपर भी डेफर्ड टैक्स आता है, पर सब्जेक्ट टू के कैश बेसिस हो, ऐसा ही है। और आपके पास प्रीपेड आता है, डेफर्ड टैक्स ये सेम है, ये सेम बात है ऊपर वाली कि सब्जेक्ट टू की कैश बेसिस हो, अदरवाइज तो नहीं आएगा। हाँ जी बच्चों, यहां तक बात क्लियर है। अब एक और चीज सीखें, मैंने यहां पे लिखा आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आज, लॉन्ग टर्म लोन। अगर मैंने लोन दिया हुआ है किसी को, यानी मैं ये कह दूं लोन रिसीवेबल, आपकी जबान में लोन रिसीवेबल, अच्छा इसके ऊपर अभी मैं कह रहा हूं कि डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा, लॉजिक देता हूं। मुझे बताएं जब लोन किसी को देते हैं तो क्या एंट्री बनती है, जब लोन किसी को देते हैं तो क्या एंट्री बनती है? हाँ जी, लोन रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, ऐसा ही है। अच्छा जब लोन वापस आता है, जब लोन वापस आता है, लोन प्रिंसिपल वापस आता है तो क्या एंट्री बनती है? हाँ जी, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, यानी अब एक बात समझें, जब लोन दिया तब भी ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जब लोन वापस आया तब भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें पीएनएल कहाँ इन्वॉल्व है? टैक्स किस पे लगता है? टैक्स तो इनकम और एक्सपेंस पे लगता है ना, इनकम होती है टैक्स लगता है, एक्सपेंस होता है टैक्स की बचत होती है, ऐसा ही है। इनकम होती है, इनकम होती है तो टैक्स लगता है, एक्सपेंस होता है तो टैक्स की बचत होती है, ऐसा ही है। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों ये बात बताओ, इस लोन के केस में जब लोन दे रहे हो तो लोन रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, और जब पैसे वापस आ रहे हैं तो बैंक डेबिट और लोन रिसीवेबल क्रेडिट, इसमें ना आज ना सब्सिक्वेंट उसका पीएनएल इंपैक्ट है ही नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं तुम्हें समराइज करने के लिए, तुम्हें इजी करने के लिए, कि तुम्हारे पास बैलेंस शीट के हर उस लाइन आइटम पे डेफर्ड टैक्स आएगा जिसका इंपैक्ट पीएनएल पे हो, ऐसा है? चलो अब ये तुम बताओगे, अगर मेरे पास शेयर कैपिटल आ रहा है, हाँ जी, क्या इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स आएगा? नो डेफर्ड टैक्स। अच्छा भाई ये बताओ, ऊपर अहमद कह रहे हैं कि सर इंटरेस्ट रिसीवेबल पे भी तो आता है, तो क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल पे मैंने मना किया है? तुम बताओ क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल पे मैंने मना किया है? नहीं, हमने किया है ना बुक, क्योंकि उसका सब्सिक्वेंट पीएनएल इंपैक्ट है तो मैंने किया है। क्लियर, ये तो सिखा रहा हूं। अच्छा शेयर प्रीमियम पे आता है, नो डेफर्ड टैक्स। रिटेन्ड अर्निंग ऑलरेडी आफ्टर डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट, भाई आप जो पीएनएल में टैक्स निकालते हो वो डेफर्ड टैक्स के साथ ही होता है ना, तो वो तो रिटेन्ड अर्निंग में वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, तो क्या वापस से रिटेन्ड अर्निंग को छेड़ेंगे या उसमें टैक्स का इंपैक्ट निकाला ही उसके लिए था? हाँ जी जल्दी बताओ, निकाला इसके लिए था ना, क्योंकि आप क्या कहते हैं टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? करंट और डेफर्ड का सम होता है,
और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ पे जमा होता है? रिटेन्ड अर्निंग में। अच्छा पहले बताओ, दिमाग खुला, एक एक, एक जो व्यू होता है ब्रॉडर व्यू वो मिल गया तुम्हें कि क्या चलता है असल में दुनिया में? तो ये गेम है इसके पीछे। तो सर अब हमारे पास इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस रह गया है जिस पे डेफर्ड टैक्स आता है, क्योंकि वो एसेट कभी बिकेगा। बात समझ आ रही है? वो एसेट कभी बिकेगा, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस पे डेफर्ड टैक्स आता है, वो हम सीखेंगे। डेफर्ड टैक्स की इंप्लीकेशंस हैं और हमारी लायबिलिटी साइड रह गई है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर तकरीबन हो चुका है, इसके बाद लायबिलिटी साइड रह गई है, ऐसा है? चलो तुम मुझे एक बात बताओ, बता दिए तो मजा आ जाएगा। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट पे डेफर्ड टैक्स आएगा? पर अब तक हमने इसको बैलेंस शीट से सीखा नहीं है। यस आएगा, क्योंकि इसका सर सब्सिक्वेंट पीएनएल इंपैक्ट डेप्रिशिएट होता है, सही है? तो इसको यहां तक रखते हैं, सही है जी, ताकि हम अब कल की क्लास में आपके लिए लायबिलिटीज को शुरू करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको आसान लग रहा होगा, ऑनेस्टी से बताना, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे भाई, बिल्कुल बेसिक से उठाया तुम्हें, इजी है। चलो वेरी गुड, बेहतरीन, चलें, गुड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।